फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, वेज बिरयानी की रेसिपी। इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक कुकर ले लिए हैं, इसमें हम 4 चम्मच के लगभग सूखी डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप रिफाइन ऑयल में भी डाल सकते हैं। कुछ खड़ा मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं। खड़ा मसाला में हम दालचीनी लिए हैं, 1 टुकड़ी जीरा, 3 हरी मिर्च, हम प्याज डाल देंगे, अच्छी तरह से लाल कर लेंगे, पूरा डार्क ब्राउन कर लेंगे इसको भूनते हुए। प्याज लाल हो चुका है। अब इसमें कुछ सब्जी हम ऐड कर लेंगे। सब्जी में हम फूलगोभी लिए हैं, बीन्स लिए हैं और एक छोटा सा शिमला लिया है। अब 2 मिनट इसे चला लेते हैं अच्छी तरह। हम सब्जी को चला लिए हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा आलू डाल देते हैं, उसका छोटा छोटा पीस कर लिए हैं। एक टमाटर, उसको भी डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक हल्का ही डालेंगे क्योंकि दही डालेंगे तो खटाई से भी नमक ज्यादा हो जाता है। अब इसमें कुछ मसाला हम ऐड करेंगे। मसाला में पहले हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया, चिकन की हल्का ही भूनेंगे क्योंकि हम कुकर में सीटी लगाएंगे, सब्जी को ज्यादा हम नहीं पकाएंगे। इस तरह से 2 मिनट इसे चलाते रहे। मसाला हमारा भुना चुका है। अब इसमें कुछ हम और मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 चुटकी के लगभग काली मिर्च पाउडर और 1 पैकेट शाही बिरयानी मसाला। गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं और दही डाल देते हैं। मसाला हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं और इसमें 1 कटोरी के लगभग दही। अब इसे 2 मिनट दही के साथ में अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए, मसाला से हमारा तेल निकल चुका है, इसका मतलब है कि मसाला और दही हमारा अच्छी तरह से भुना चुका है। अब इसमें 4-5 टुकड़ा हम पनीर का डाल देते हैं, हरा धनिया, पुदीना पत्ता और 4-5 करी पत्ता, इसे भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला भुना चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस गिलास से हम चावल नापे थे उसी गिलास से हम पानी नाप लिए। 2 गिलास हम चावल दिए थे, उसमें हम 3.5 गिलास पानी डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देते हैं। जैसे चावल फुला के रखे थे, आधा घंटा लगभग हम चावल पहले ही फूलने दे दिए थे। अब इसमें हम चावल का 1 कोटी, इसे अच्छी तरह से इस तरह से कुछ भुना हुआ प्याज हम डाल देते हैं। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये थोड़ा सा केसरिया रंग है, हम पानी में पहले ही घोल लिए हैं। अगर आपके पास केसर उपलब्ध है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक अच्छा कलर आने के लिए आप इसे इसमें डाल। पानी डाल देंगे इसमें बचा हुआ पानी। अब इसे हल्का हिला देंगे। अब इसमें 2 सीटी हम लगा देंगे। अब हम 2 सीटी लगा दिए हैं और सीटी का गैस भी निकाल दिए हैं। अब इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, बिरयानी हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे एक बार इस तरह से चावल को आपको पलटा के दिखा देते हैं। देखिए, इस तरह से बीच बीच से हम मिला देते हैं। इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं, चावल पूरा खिला खिला है और बहुत सुंदर कलर भी आया है। और फूड कलर जो हम डाले थे उससे भी बहुत अच्छा कलर आया है। Thank you.
बिरयानी हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इस तरह से देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला लग रहा है। चलिए बिरयानी हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे खाने के लिए सर्व करते हैं। ये देखिए चावल हमारा बहुत अच्छा खिला खिला हुआ है, देखने में बिरयानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। झटपट आप इसे तुरंत कुकर में बना सकते हैं, जब आपका इच्छा हो तब आप तुरंत बना सकते हैं इसे। कर देते हैं इस तरह से ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए और खाने में और अच्छा टेस्ट आए। ये देखिए हमारा भेज बिरयानी बिल्कुल रेडी है, आप इस तरह से एक बार मेरे स्टाइल में जरूर घर पे बनाएं। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।